नमस्कार, मैं हूं प्रिया जौहर। आप देख रहे हैं मघिया बाज। वैशाली ठक्कर टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम जो अब हमारे बीच नहीं है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को वैशाली ठक्कर ने अपने होम टाउन मध्य प्रदेश के इंदौर में फांसी का फंदा लगाकर वो उससे झूल गए। आपको बता दें कि उन्होंने उनकी करियर की शुरुआत ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से हुई थी, जो कि काफ़ी एक बड़ा सीरियल है, जिसके बाद वो वहीं नहीं रुके। उन्हें काफ़ी अच्छे सीरियल्स मिलते गए और वो एक टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन गए। लेकिन उन्होंने 16 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के पीछे उन्होंने 5 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिस सुसाइड नोट में उनकी आत्महत्या करने की वजह है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी अपने डायरी में लिखा है कि वो काफ़ी समय से डिप्रेशन में थी। वहीं आपको बता दें कि उनकी पहले सगाई हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही ये खबर आई थी कि उनकी सगाई टूट गई है। वहीं उन्होंने डायरी में साफ शब्दों में अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लिखा है, जिसका नाम राहुल है। दरअसल वैशाली ठक्कर ने आत्महत्या के पीछे एक 5 पन्नों का नोट छोड़ा है, सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि राहुल नाम के व्यक्ति ने उन्हें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है, जिसकी वजह से वो तंग आकर आत्महत्या कर रही हैं। उन्होंने इसमें ये भी अपने माँ बाप के बारे में भी लिखा है कि अगर मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, साथ ही ये भी लिखा है कि मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई, इसके लिए सॉरी। और लास्ट में उन्होंने अपने सुसाइड नोट के नीचे लिखा है क्विट, कि वो अपनी ज़िंदगी से क्विट कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने माता पिता से अपनी आखिरी इच्छा भी बताई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राहुल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपको बता दें, राहुल उनका एक्स बॉयफ्रेंड है, जिसकी अभी शादी भी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। सुसाइड नोट मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहुल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर ने उनके वैशाली ठक्कर का डायरी और उनके कुछ सामान जब्त कर लिए हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डिप्रेशन किस तरीके से लोगों को खाए जा रही है, इसके ऊपर कितना आगे खुलकर बात करने की ज़रूरत है, कितना आगे आकर इसके बारे में बताने की ज़रूरत है, इसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए मघिया बाज के साथ।